गुजरात में विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। लेकिन गुजरात में एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी की एंट्री ने इस बार कांग्रेस का खेल बिगाड़ना शुरू कर दिया है। अब तक गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थी, लेकिन आम आदमी पार्टी और ओवैसी की मौजूदगी से ये साफ है कि दोनों दल एक बार फिर गुजरात में कांग्रेस की जीत में रोड़ा अटका सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। ऑल इंडिया मजलिसे इताहिदुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी भारत के मुसलमानों से अपील करते नजर आ रहे हैं, जिसमें वो आने वाले चुनावों में अपने नुमाइंदों को वोट देने के लिए बोल रहे हैं। ओवैसी ने इस वीडियो में देश के मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि याद रखो गुजरात के मुसलमानों, याद रखो भारत के मुसलमानों, आप हुकूमत को तब्दील नहीं कर सकते हैं, आप अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकते हैं। गुजरात के जूनागढ़ में आज ओवैसी की रैली है, जहां उनके निशाने पर बीजेपी होगी, लेकिन असली निशाना तो कोई और है, क्योंकि गुजरात में ओवैसी की मौजूदगी से यह साफ है कि इस बार भी वो बीजेपी को फायदा और कांग्रेस को नुकसान करने के इरादे से मैदान में उतरी है, और इसी मंशा को समझते हुए कांग्रेस को भी अपनी रणनीति बनानी होगी। तो वहीं महाराष्ट्र में भिवंडी में रैली के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। खासतौर से उन्होंने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाने पर लिया था। इस रैली में ओवैसी ने कहा, ये भारत ना मेरा है, ना उद्धव ठाकरे का है, ना मोदी का है, ना शाह का है। भारत अगर किसी का है तो वे द्रविड़ और आदिवासियों का है। ओवैसी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने बीजेपी को असलियत दिखाते हुए कहा कि चार जगहों से लोग आए थे, लेकिन बीजेपी सिर्फ मुगलों के पीछे पड़ी रहती है। ओवैसी ने बीजेपी को लताड़ते हुए ये भी आरोप लगा दिया कि दाढ़ी से दिक्कत है, टोपी से दिक्कत है, मस्जिद से दिक्कत है और अजान से दिक्कत है। आज देश में कोई बेरोजगारी, महंगाई की बात नहीं करता, सिर्फ मुसलमानों को बीजेपी से डराया जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।